हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ भंगेल एलिवेटेड रोड कितना बन के रेडी हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये काम चल रहा है भंगेल एलिवेटेड रोड का, भंगेल के पास में दादरी मेन रोड के ऊपर। तो सामने की साइड में है भंगेल। अगर लोकेशन की बात करें तो ये है नोएडा स्पेशल इकोनॉमी जोन का मेट्रो स्टेशन जो एक्को लाइन के ऊपर है। और ये है दादरी मेन रोड, यहाँ से इस साइड में है दादरी। तो यहाँ से दादरी का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 20 किलोमीटर का। तो यहाँ पे जो रैंप होगा उसका अभी यहाँ पे काम किया जाएगा। अभी रैंप का जो काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। और आगे की साइड में देख सकते हो यहाँ पे ये पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं पिलर कैप के साथ में। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 145 पिलर्स बनाए जा रहे हैं। तो इस साइड से पिलर्स की जो नंबरिंग है वो घटते हुए क्रम में है। और यहाँ पे ये दो पिलर रह गए जिनके ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा। और आगे की साइड में भी देख सकते हो पिलर्स रेडी हो चुके हैं। अभी इनको गर्डर्स के द्वारा आपस में कनेक्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पे इन तीनों पिलर्स के ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा। और आगे की साइड में ये एक छोटा सा स्ट्रेच है जहाँ पे अभी पिलर्स को बनाया जाएगा। तो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो ये है भंगेल। तो ये है मैप भंगेल एलिवेटेड रोड का। और मैप की मदद से समझाऊं मैं आप लोगों को ये रोड कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। तो ये हो गया नोएडा स्पेशल इकोनॉमी जोन का मेट्रो स्टेशन जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। तो ये एलिवेटेड रोड यहाँ से स्टार्ट होके इस पॉइंट पे आके एंड होगी दादरी मेन रोड के ऊपर ही नोएडा सेक्टर 41 में। और ये है गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन। तो ये थे वो पिलर्स जिनके ऊपर आगे की साइड में पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो ये है लास्ट पिलर जो यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ से आगे की साइड में अप्रॉक्स 250 मीटर का एरिया है जहाँ पे अभी पिलर्स को बनाया जाएगा भंगेल के अंदर। तो देख सकते हो ये एरिया कितना कंजेस्टेड है। तो यहाँ पे इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद में यहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ हो जाएगी। और आगे की साइड में आने के बाद में ये है यहाँ पे पहला पिलर। अभी इसके ऊपर भी पिलर कैप का काम किया जाएगा। और यहाँ से आगे की साइड के जो पिलर्स हैं इनके ऊपर भी अभी पिलर कैप का काम किया जाएगा। तो ये है पिलर नंबर 108। तो यहाँ से पहले के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर अभी पिलर कैप का काम किया जाएगा। और इसके ऊपर भी, लेकिन पिलर नंबर 7 से पहले के जो पिलर्स हैं उनके ऊपर ये देख सकते हो यहाँ पे पिलर कैप का काम हो गया। अभी गर्डर्स के द्वारा इन पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा।
तो ये थे पीछे की साइड के पिलर्स जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए, और यहाँ से आगे की साइड में भी पिलर्स बन के रेडी हो चुके हैं। ये है पिलर नंबर 84। और यहाँ पे फ्लोरिंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है। आगे की साइड के पिलर्स भी यहाँ पे पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं। और आगे की साइड में काम चल रहा है फ्लोरिंग का। तो आगे की साइड में ये काम चल रहा है फ्लोरिंग का। यहाँ पे गर्डर्स को लगा दिया गया है। अभी यहाँ पे कंक्रीट डाल के फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। और आगे की साइड में फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अभी इस साइड में गर्डर्स को लगाया जाएगा। और ये आ जाती है विश्वकर्मा रोड। तो यहाँ से राइट साइड में 1.5 किलोमीटर आगे की साइड में जाके आ जाएगा नोएडा सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन, जो एक्वा लाइन के ऊपर है। और लेफ्ट साइड में 3.3 किलोमीटर के बाद आ जाएगा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। और अभी इस साइड में प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और आगे की साइड में ये एक छोटा सा स्ट्रेच है जहाँ पे फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है दोनों तरफ। और बीच वाले एरिया में दोनों साइड में पैरापेट वॉल का काम हो गया है। तो इस एलिवेटेड रोड का काम स्टार्ट हुआ था 2020 में, और इसकी डेडलाइन थी दिसंबर 2021। तो देख सकते हो ये प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन से काफ़ी पीछे चल रहा है, और इसकी अब नई डेडलाइन है दिसंबर 2023। तो अभी यहाँ तक ही पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया गया है पिलर नंबर 50 तक, और ये है पिलर नंबर 49। तो यहाँ से आगे की साइड के जो पिलर्स हैं उनको अभी आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और ये एरिया है नोएडा सेक्टर 48। और आगे की तरफ देख सकते हो पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। तो आगे की साइड में आने के बाद में ये है पिलर नंबर 42। यहाँ पे पिलर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम चल रहा है। तो अभी इस साइड में पिलर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। राइट साइड में तो पिलर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो गया है। अभी इस साइड में फ्लोरिंग का काम स्टार्ट किया जाएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में फ्लोरिंग का काम हो गया है, और यहाँ पे दोनों साइड में फ्लोरिंग का काम हो गया है, और यहाँ पे पैरापेट वॉल का जो काम है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। अभी यहाँ पे ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाएगा। तो ये जो भंगेल एलिवेटेड रोड है इसकी टोटल लेंथ होगी 5.5 किलोमीटर की, और ये 6 लेन की एलिवेटेड रोड है। और आगे की साइड में ये आ जाता है कर्व। तो यहाँ तक बन के रेडी हो चुकी है ये एलिवेटेड रोड सेक्टर 49 के पुलिस स्टेशन तक, जो इस साइड में है। तो पिलर नंबर 11 तक बन के रेडी हो चुकी है ये एलिवेटेड रोड। तो पिलर नंबर 10 और पिलर नंबर 11 को अभी आपस में कनेक्ट किया जाएगा। और ये आ जाती है जैन रोड। तो यहाँ से राइट साइड में 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वेव सिटी सेंटर नोएडा, और लेफ्ट साइड में है नोएडा सेक्टर 47। और यहाँ से आगे की साइड में देख सकते हो ये एक छोटा सा स्ट्रेच है लास्ट में जो बन के रेडी हो चुका है पूरी तरीके से। और यहाँ पे भी पैरापेट वॉल का जो काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। और यहाँ पे आके एंड हो जाएगी ये एलिवेटेड रोड।
तो यहाँ पे अभी रैंप का जो काम है वो किया जाएगा, अभी यहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये है नोएडा सेक्टर 41, यहाँ से 2.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बोटैनिकल गार्डन का मेट्रो स्टेशन। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को करना सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में।